जगत समुंदर पारा नजर ना आवे इस दा किनारा। पता ही नहीं भी इन्ने रात विच माया इन्नी फैलाई है तुम्हारा महाराज आपकी, कोई अदा दिव किनार दिसदा ही नहीं सानू। पता ही नहीं भी किवें इत्थे पार लंघांगे असी ऐस भव सागर तो दुनिया दे पाव। वो कहिंदे भी अग्नि दा सागर है अखरां दा, इहदे चो पार लंघना ठीक ठाक पहुंच जाना उत्थे महाराज दे दरगाह दे उत्ते बड़ा मुश्किल है, ते महाराज जी सतगुरी कृपा करे तो फिर गल बनदी है। जय जयकार है तुम्हारा, कृपा करे। यही है पिता जी, एक को कहने होंगे सी, मैं तुहानू अगे भी दस्या है कि वो ये करते होंगे सी कि अदल करें तां वाह ना कोई, फजल करें तां जीवां है। जे तो इंसाफ करते हैं मेरे कर्मा दे हिसाब दे नाल, फिर तो कोई वाह नहीं, फिर तो काफी काम खराब होएगा। फिर फजल करें तू, कृपा कर दे महाराज है। एक बड़ा ही सुंदर एक और शेर सी है कि झूठियां शाना वाले के थर थर कंबन, झूठियां शाना वाले हाँ अदल करें ता, हाँ ऐसी कि अदल करें ता थर थर कंबन के झूठियां शाना दे के फजल करें ता बख्शे जावन मैं जे मुँह काले। ये तो तू अदल करें महाराज, ये तो तू इंसाफ करें ते झूठियां शाना वाले अभी आ मैनू हार पे ने, मैनू बड़ा अच्छा समझे लोग, मैं ये मैं वो, बड़ा मेरे को धन संपत्ति मेरी बड़ी बड़ी टौर है महाराज ये वो, ते फिर वो थर थर कम बन गए। उन्होंने पता है भी अंदरों की काम कीते ने, मतलब इस जगह ते पहुंचने वास्ते किदे किदे पैर खिंचे, किदे झूठ बोल बोल के इन्ना उच्चा मैं पॉलिटिक्स से चाह ये वो, दूजी पार्टियां नु झूठा कह कह के मुकदमे चला, किसी दे कोई केस पा के पुलिस वाले नु, मतलब उन्होंने सब पता। फिर थर थर कम गए कि अदल करें ता थर थर कंबन झूठियां शाना वाले और फजल करें तो बख्शे जावन मैं जेहे मुकाले। जिन्हां ने माड़े काम कीते ने साडे वर्गिया ने वो भी पार हो जाएंगे जे तू फजल करें, जे तू फजल करें। एक गल मैं होर याद आ रही, तुहाडे नाल शायद शेयर कीती होनी है कि संत सिंह मस्कीन जी ने एक बार सुन रहा था, उन्होंने बड़ी सुंदर गल की। वो कहती एक बार बड़ा संत सी बड़े उच्चे अवस्था दे, ते अचानक एक दिन आपदी स्टेज तो ना इन व्यास पीठ कहते ना, व्यास पीठ तो आपदी प्रवचन करते करते कह लग पे कि मैं सोचा है कि मैं दुनिया दा आ फलाना गलत काम भी करांगा, आ गंदा काम भी करा। वो सारे कह लगे भी अज संत जी ने की हो गया भी, ये तो इन्ने अच्छे इंसान ने भी, ये किवें मतलब ये गल्लां कर रहे ने, मैं फलाना भी गलत काम करांगा फलाना भी, मतलब उन्होंने बड़े ना गिनाए इन्हें काम करते। बाद कहन लगे और मैं देखना चाहूंगा कि मेरे सारे कुकर्म जेड़े ना मैं एक पास तकड़ी ते तोलांगा, ते जदों उन रहमत दा एक एक बूंद मैं ओदी रख दांगा रहमत दी, वो पलड़ा भारी पै जाएगा। ओदी बूंद एक रहमत दी बहुत ज्यादा मतलब के पावरफुल है, मेरे जेड़े सारे कर्म ने ना सारे दुनिया भर के सारे पाप जेड़े ने वो एक फिनिश करन, एक बूंद ओदी रहमत दी बूंद, ऐसा ऐसी है। तो साढ़े तो रहमत दा मीह वरस रहा आपने दरबारां ते, जेड़े संत पुरश ने जेड़े महापुरश ने जेड़े पूर्ण संत ने जेड़े सच्चे सुचे संत ने जेना रब नाल सीधी तार है, उन्होंने दरबारां च मीह वरसदा है रहमत। के रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे कतरा बख्शे मैनू
काम बन जांदाई मेरा, जे इक कतरा बख्शे मैनू ते काम बन जांदाई मेरा। सानू तो एक कतरे की लोड़ है, मतलब गल दा सानू तो दी रहमत थोड़ी जी, बस एक नजर पै जाए साहब मौजे मौजा हो जाए, ते वो दे असी एक एक बनिए भी वो दे। हाँ साडा ऐसा ही, साडे कोल ऐसा एक भांडा आप दे नू इन्ना शुद्ध करिए कि वो दे अमृत दी वर्षा हो जाए वो दे चाणा। ये नहीं कि पुठे भांडे करके बैठे हैं कि आ रहे नहीं उस पासे, फिर मीह जिन्ना मर्जी पई जाए फिर कुछ नहीं गल बनती है ना। सो या वो दस देना भी जिम्मे कोई बाल्टी होंगी थले तो थला सारा तोड़ दो, या इन्हें मोरे हो तो पानी निकलता जाए रहमत का भी, सारे वो जेडे कुकर्मा राही है माड़े कमा रहे सारा निकलता है तो रहमत फिर कितों रहेगी, असर होना ही नहीं होता। सो इस करके महाराज भले काम कराए ते सुखी जीवन होए सारा का, भी सारे अगे अरदास है, महाराज अगे अरदास है सब वालों के महाराज शुभ कर्म करवा ते मौजा ही मौजा करा, सारी दुनिया के जिन्हें भी सुख है वो भी मिलन, ते तेरी शरण भी मिलती रहे, तेरा प्यार भी मिलता है, तेरा आशीर्वाद भी मिलता है। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। सारी संगत नु सत करतार बापू जी दी जय जय।